आप कैसे हैं? चलिए, आप घर में स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। चलिए, आज हम कक्षा 12वीं राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अध्याय 6, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आवश्यकताओं और ढांचों में सुधार। सुधार तो होना चाहिए, इस सवाल पर व्यापक प्रतिक्रिया है, लेकिन सुधार कैसे किए जाएं यह कहना कठिन है। इस पर सहमति कायम करना भी मुश्किल है। यहाँ हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार पर जारी बहस की थोड़ी चर्चा करेंगे। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस प्रस्ताव में 3 शिकायतों का मुख्य रूप से जिक्र किया गया। पहला, सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। दूसरा, इसके फैसले पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है और इन फैसलों पर चंद देशों का ही दबदबा रहता है। तीसरा है, सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव कि इस बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई और सुधार कैसे कराए जाएं। मिसाल के तौर पर, यह सुरक्षा परिषद के नए सदस्य चुने जाने चाहिए। इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए, जो निम्नलिखित थे और नए सदस्यों के लिए आवश्यक थे। बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए। दूसरा, सैन्य ताकत होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों का सम्मान करता है। यह देश ऐसा हो कि अपनी भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। इस युद्ध के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान सन 1944 में विश्व युद्ध अनौपचारिक स्थापना हुई। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित थी। यह बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई सेवा, पर्यावरण सुरक्षा का आधारभूत ढांचा जैसे विकास, सड़क, शहरी विकास, बिजली और सुशासन के लिए काम करता है। वह अपने सदस्य देशों को आसानी से ऋण और अनुदान प्रदान करता है। ज़्यादातर गरीब देशों में ये अनुदान वापस नहीं चुकाने पड़ते। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और इन मानदंडों से यह स्पष्ट है कि हर एक में कुछ न कुछ वैधता है। सरकारें अपने अपने हित और महत्वाकांक्षाओं के लिहाज से कुछ कसौटियों को फायदेमंद तो कुछ को नुकसानदेह मानती हैं। भले ही कोई देश सुरक्षा परिषद की सदस्यता के लिए इच्छुक ना हो, वह फिर भी बता सकता है कि उन कसौटियों में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी परेशानियां हैं। तो कोई देश विश्व में सब बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हो और उसकी बड़ी जनसंख्या इसमें बाधक है या सहायक है, अगर लोकतंत्र और मानवाधिकार के प्रति सम्मान की कसौटी हो, तो इस मामले को बेहतरीन तरीके रिकॉर्ड वाले देशों की लाइन लग जाएगी। सवाल यह है कि क्या ये देश परिषद के सदस्य के रूप में प्रभावकारी होंगे? आगे इन सवालों पर क्या प्रतिनिधित्व के मसले को कैसे हल किया जाएगा देखा जाए। क्या भौगोलिक दृष्टि से बराबरी के प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि एशिया, अफ्रीका, लातिनी अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र की एक एक सीट सुरक्षा परिषद में होनी चाहिए? अब यहाँ पर प्रश्न यह भी है कि क्या
महादेशों के बजाय क्षेत्र और उपक्षेत्र को प्रतिनिधित्व का आधार बनाया जाए। प्रतिनिधित्व का मसला भूगोल के आधार पर क्यों हल किया जाए? आर्थिक विकास को आधार मानकर यह मसला क्यों नहीं किया जाए? और क्या संस्कृत विभिन्न संस्कृतियां और सभ्यताओं को ज़्यादा संतुलित ढंग से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा? कोई विश्व को सभ्यता या संस्कृति के आधार पर बांट कर देख सकता है, जबकि किसी एक ही राष्ट्र के भीतर विभिन्न सांस्कृतिक धाराएं उपस्थित होती हैं। इसी से एक और मसला है जो सदस्यता की प्रकृति को बदलने का है। मिसाल के तौर पर कुछ का जोर था कि 5 स्थायी सदस्यों को दिया गया निषेधाधिकार, जिसको वीटो पावर कहते हैं, खत्म होना चाहिए। और कुछ लोगों का मानना था कि निषेधाधिकार लोकतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों के बीच बराबरी की धारणा से मेल नहीं खाता। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया में स्थिरता कायम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में 5 स्थायी सदस्यों की विशेष हैसियत दी गई थी। इन सदस्यों को कुछ मुख्य फायदा था कि सुरक्षा परिषद में उनकी सदस्यता स्थायी होगी और उन्हें वीटो का अधिकार प्राप्त होगा। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और इस अवधि के बाद उनकी जगह नए सदस्यों का चयन होता है। 2 साल की अवधि अस्थायी सदस्य रहने के लिए, तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए चुना जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं मिलता। वीटो का अधिकार सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को ही प्राप्त होता है। सुरक्षा परिषद के में फैसला मतदान के जरिए होता है। हर मतदान में एक वोट का अधिकार होता है। स्थायी सदस्यों में से कोई एक अपने निषेधाधिकार वीटो का प्रयोग कर सकता है। इस तरह वह किसी फैसले को रोक सकता है, भले ही अन्य स्थायी सदस्यों ने और सभी अस्थायी सदस्यों ने उस फैसले के पक्ष में मतदान किया। वीटो को समाप्त करने की मुहिम तो चली, लेकिन इस बात की समझ बनी है कि स्थायी सदस्य ऐसे सुधार के लिए शायद ही राजी होंगे। शीत युद्ध समाप्त हो गया हो, लेकिन संभव है कि विश्व अभी भी इसमें कुछ परिवर्तन और बदलाव के लिए तैयार ना हो। इस बात का खतरा है कि वीटो न हो तो सन 1945 के समान इन ताकतवर देशों की दिलचस्पी संयुक्त राष्ट्र संघ में न रहे। इससे बाहर रहकर वे अपनी रुचि के अनुसार काम करें और उनके जुड़ाव अथवा समर्थन के अभाव में यह संगठन प्रभावकारी न रह जाएगा। अब है संयुक्त राष्ट्र का न्यायाधिकार। सदस्यता का सवाल एक गंभीर सवाल है, लेकिन इसके अलावा भी विश्व के सामने कुछ और अन्य ठोस मसले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब अपने अस्तित्व के 60 साल पूरे किए तो इसके सभी देशों ने प्रमुख इस सालगिरह को मनाने के लिए 2005 सितंबर में इकट्ठे हुए और इस अवसर पर मौजूदा स्थितियों की समीक्षा हुई। इस बैठक में शामिल नेताओं ने बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा प्रासंगिक और प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ निम्नलिखित कदम उठाने का फैसला किया। पहला है शांति संस्थापक आयोग का गठन होना चाहिए। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों के अत्याचारों से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति होना चाहिए। मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006-19 जून से सक्रिय है और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, हर रूप रीति के आतंकवाद की निंदा, एक लोकतंत्र कोष का गठन और ट्रस्टीशिप काउंसिल को समाप्त करने पर सहमति। यह समझौता कठिन नहीं है, यह समझना कठिन नहीं है कि ये मुद्दे कभी भी संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बड़े
पैचदार है। शांति संस्थापक आयोग को क्या करना चाहिए और दुनिया में बहुत से झगड़े चल रहे हैं, इनको कैसे ख़त्म करना चाहिए और इन्हें ख़त्म करने में किस तरह दखल दें। हर झगड़े में दखल देना क्या इस आयोग के लिए उचित है? क्या इस आयोग के लिए ऐसा करना संभव है? ठीक उसी तरह यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि अत्याचारों से निपटने में विश्व बिरादरी की क्या जिम्मेदारी हो, मानव अधिकार क्या है और इस बात को कौन तय करेगा कि किस स्तर का मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में सतत विकास लक्ष्य के निर्धारित विकास संबंधी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को मानक बनाना कहाँ तक व्यवहारिक है और आतंकवाद की कोई परिभाषा हो सकती है? इस तरह के प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ लोकतंत्र को बढ़ावा देने में धन का इस्तेमाल कैसे करेगा, ऐसे ही और भी विभिन्न प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में सुधार और भारत, तो भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव, कई आधारों पर इन बदलावों का समर्थन किया है भारत ने, और भारत का मानना है कि बदले हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास बढ़ाने और ज़्यादा बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत का विकास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी शर्त है। भारत की चिंता सुरक्षा परिषद को लेकर भी है कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या स्थिर है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या में अंतर है और यह खूब बढ़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक चरित्र की हानि होती है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और इससे विश्व बिरादरी को ज़्यादा और अधिक समर्थन मिलेगा। यह जो आप चित्र देख रहे हैं, यह संयुक्त राष्ट्र शांति समिति एवं शांति निर्माण कार्यालयों का मानचित्र है कि कहां कहां पर इनके कार्यालय शांति को स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें मध्य अफ्रीका और है लेबनान, भारत और पाकिस्तान, दक्षिण भूटान, अरेबियाई। इसके बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि सन 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ है। एक तथ्य यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में अधिकतर विकासशील देश सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उसकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद के अस्थाई और स्थाई दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में को बढ़ाए जाने का समर्थन करता है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है और इसके कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई व्यापक योजना धरातल पर बनानी चाहिए और उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश शामिल होने चाहिए। भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद के एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है और विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला भारत दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत के संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहल
में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका अदा करता आ रहा है और सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसलिए भी उचित है क्योंकि वह तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक स्थिति शक्ति बनकर उभर रहा है और इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामलों में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। ये विश्व व्यापार संगठन या अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। WTO इस संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है और यह है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एम्पोरियम। इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों को इसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणविक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। अगर आपके साथ एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका प्रभाव ज़्यादा होगा। भारत भी यही चाहता है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में हो, निषाधिकार संपन्न वीटोधारी सदस्य बन जाए, उसको भी भारत को भी वीटो पावर मिल जाए। लेकिन कुछ देश सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, जिनके साथ भारत के संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे, बल्कि कुछ और देश भी चाहते हैं कि भारत को सुरक्षा परिषद में वीटोधारी स्थायी सदस्य के रूप में शामिल ना किया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित हैं। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा और जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को जरूर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं। इनको सबको देखते हुए भारत का किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र इसमें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है और ढांचों और प्रतिक्रियाओं में सुधार से कुछ देशों की यह आशा भी बनी रही है कि इन बदलावों में संयुक्त राष्ट्र संघ एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका सबसे ताकतवर और विकासशील देश है उसका कोई गंभीर प्रतिद्वंद्वी ही नहीं और कारगर ढंग से काम किया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है और यह संगठन शेष विश्व और अमेरिकी के बीच संवाद कायम करके अमेरिका को अपनी मनमानी करने से रोक भी सकता है। अमेरिका की ताकत पर आसानी से अंकुश नहीं लगाया जा सकता। पहली बात यह है कि सोवियत संघ की गैर मौजूदगी में अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है और अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बलबूते वह संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अनदेखी वो कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर अमेरिका का खास प्रभाव है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला देश है। अमेरिका की वित्तीय ताकत बेजोड़ है। वह भी एक तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी भू क्षेत्र में स्थित है और इस कारण अमेरिका का प्रभाव उस पर जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कई नौकरशाह इसके नागरिक हैं। इसके अतिरिक्त अमेरिका
को लगे कि कोई प्रस्ताव उसके अथवा उसके साथी राष्ट्रों के हितों के अनुकूल नहीं है अथवा अमेरिका को यह प्रस्ताव न जचे तो वह उस पर वीटो के माध्यम से रोक लगा सकता है। अपनी ताकत और निशाधिकार के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चयन में भी अमेरिका इस बात पर बहुत अधिक प्रभाव रखता है। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की ताकत पर अंकुश लगाने में खास सक्षम नहीं है, फिर भी एक ध्रुवीय विश्व में जहां अमेरिका ताकत का बोलबाला है, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिकी और शेष विश्व के बीच विभिन्न मसलों पर बातचीत कायम कर सकता है और इस संगठन ने ऐसा किया भी है। अमेरिकी नेता अक्सर संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना करते हैं, लेकिन वे इस बात को समझते हैं कि झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मसलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए 190 राष्ट्रों के एक साथ किया जा सकता है। जहां तक शेष विश्व की बात है तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसा मंच है जहां पर अमेरिका रवैये और उसकी नीतियों पर कुछ अंकुश लगाया जा सकता है और जहां अमेरिका के किसी खास रवैये और नीति की आलोचना की सुनवाई हो और कोई बीच का रास्ता निकालने तथा रियायत देने की बात भी कही या सोची जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ में थोड़ी कमियां हैं, लेकिन इसके बिना दुनिया और भी बदहाल। आज विभिन्न समाजों और मसलों के बीच आपसी तार जोड़ते जा रहे हैं, जिससे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया जाता है। इसे देखते हुए यह कल्पना करना कठिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठन के बिना विश्व के 7 अरब से भी ज़्यादा लोग कैसे रहेंगे। प्रौद्योगिकी यह सिद्ध कर रही है कि आने वाले दिनों में विश्व में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्व भी निरंतर बढ़ेगा। लोगों और सरकारों को संयुक्त राष्ट्र संघ और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समर्थन और उपयोग के तरीके तलाशने होंगे और ऐसे तरीके तलाशने होंगे जिससे उनके हितों और विश्व बिरादरी के हितों से व्यापक धरातल पर वो मेल खाते हैं। यह एमनेस्टी इंटरनेशनल स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए अभियान चलाता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। और दूसरा यह है ह्यूमन राइट्स वॉच, यह यहाँ पर इसका चित्र दिख रहा है। यह भी मानव अधिकारों की वकालत और उससे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन है जो दुनिया भर के मीडियों का ध्यान मानव अधिकारों के उल्लंघन की ओर खींचता है। बच्चों, यह है आपके गृह कार्य से संबंधित प्रश्न, इसी में है आपके NCERT वाली जो किताब है उसके भी प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं। आप जिनको इन वीडियो के माध्यम से या फिर अपनी किताब के माध्यम से भी लिख सकते हैं और इनको लिखने के बाद आप इनको याद जरूर करेंगे।